मैं डॉक्टर मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस की तरफ से। और आज के जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर समद मुसाफिर। डॉक्टर समद मुसाफिर का आपने नाम तो सुना होगा वैसे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। इंटरनेशनली इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी और डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट टीवी चैनल्स में इनफैक्ट इन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं, बीबीसी सीएनएन। जब मैं इनका प्रोफाइल पढ़ रहा था तो उसमें माशाल्लाह इज इंटरनेशनल वेरी वेल नोन। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो इनका असल शोबा है जिससे जिसके लिए ये काम करते हैं या जिसको इन्होंने बेसिकली ईजाद किया है, वो है जील साइंसेज एंड ऑल्टरनेट मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूट। अब जील साइंसेज के बारे में जो बाकायदा इंफॉर्मेशन हमें लेनी है वो तो हम उनसे डायरेक्ट पूछेंगे, लेकिन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में मैं आपसे बता दूं कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इज दैट के फर्जन आमतौर पर ये होता है कि अगर हमारे सर में दर्द होता है तो हम सीधा पैनाडोल की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, दो गोली पैनाडोल की हमने खा ली और साथ में पानी पी लिया एक गिलास, तो हम कहते हैं कि ये मेडिसिन हो गई। अब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ये होती है अगर हम इस सर दर्द की वजह से किसी और चीज की तरफ रुझू करें, बजाय ऐसे केमिकली चीजें जो बनी हुई है हमारे पास उसको इस्तेमाल करें, हम किसी और चीज की तरफ जाए, वो क्या हो सकती है, वो कैसी चीज हो सकती है, वो हमें बता सकेंगे डॉक्टर समद मुसाफिर। सॉरी डॉक्टर साहब, जितना मैं कह सका जितना मेरे नॉलेज में था मैंने कह दिया, और बाकी ये है कि आप खुद बेहतर फरमा सकते हैं कि ये जो आपने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का जो एक नया पर्सपेक्टिव दिया है उसके बारे में आप खुद ही हमें बताइए कि क्या चीज है। बिल्कुल दोस्तों, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आपको पता है इसमें रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशन जोन थेरेपी और हर्बल आता है इसमें, एंजियोपैथी आता है इसमें, हीलिंग से रिलेटेड जितने भी हीलिंग मेथड्स हैं वो आते हैं। और इसमें जो बेहतरीन और जो अच्छे टेक्निक्स है वो है जो कि आप किसी कुदरती तरीके से यानी किसी नेचुरल तरीके से अपना ट्रीटमेंट खुद अपने तौर पर कर सके। ऐसे मेथड्स होते हैं इसमें जो नेचुरल, या तो आपको मालिज होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में, वो आपको टेक्निक बताते हैं कराते हैं, या वो आपको खुद बताता है कि ये चीजें आप इस्तेमाल कर लें तो इससे आपके इस तरह कुदरती तरीके से आपका इलाज होते हैं। अच्छा, तो बेसिकली अगर सादे अल्फाज में आपका जो आपने कहा उसको खुलासा करें तो ये है कि कुदरती तरीके से जो इलाज होते हैं बजाय इसके कि हम केमिकल मेडिसिन यूज करें। बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपको पता है कि आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो आप खुद भी ये तजवीज करते हैं कि एक्सरसाइज करें, आप ये चीजें मत खाएं, ये चीजें खाएं, परहेज इस चीज से कर लें और ऐसी चीजें बनाएं, आप कुछ तरकीब बताएं कि नेचुरल तरीके से जो मेडिकल में जो जितनी कोशिश होती है हम पेशेंट को ऐसी तरफ ले जाते हैं कुदरती तरीके के नेचुरल तरीके से वो अपना इलाज खुद कर सके, क्योंकि मेडिसिन का आपको खुद पता है कि कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, जितना इंसान दूर रहा है मेडिसिन से उतना बेहतर है। मेडिकल में हम हेल्प करते हैं पेशेंट का कि वो इस चीज से बच सके, यानी वो बीमारी जो भी है किसी भी तरीके से किसी भी हवाले से वो बच सके ताकि उनको कोई साइड इफेक्ट कोई खास नुकसान ना हो, कम से कम जो है मेडिसिन का इस्तेमाल हो। अल्टरनेटिव मेडिसिन में ये चीज है कि आप जो है अपने तरीके तौर तरीके से अपने माहौल का अपने अपने आप का नेचुरल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। इसमें स्कूल ऑफ योगा भी आते हैं जिसमें स्कूल ऑफ योगा है, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स जो हम कराते हैं उसके एक्सरसाइजेस है, और उसमें फिर मुख्तलिफ किस्म के एक नए डीए इंस्टेंट योगा जो मेरा अपना बनाई हुई कुछ योगा है, एक योगा कोर्स है जो हम करवाते हैं, सिर्फ 5 दिन का कोर्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ एक्सरसाइज बताते हैं, तो वो ऐसे आसन है जब आप रूटीन से करेंगे वो आपको कभी भी तकरीबन ऐसे कई हजार बीमारियों से इंसान को निजात देते हैं। बिल्कुल, एक एक अच्छे हेल्थ के लिए फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल मूवमेंट सबसे ज्यादा जरूरत है। फिजिकल आसन में योगा में सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं है, अच्छा उसमें आपके मेंटल एक्सरसाइजेस है, माइंड की एक्सरसाइजेस है, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज है, नर्व्स की एक्सरसाइज है आपकी, यानी आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ये सब चीजों की एक्सरसाइजेस होती है। बिल्कुल, क्योंकि योगा जो है सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, आजकल तो यहाँ पर योगा को ऐसा बनाया गया कि सिर्फ फिटनेस के लिए,
ओके लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिससे फिटनेस जो है उनका वो होता भी नहीं इतना ज्यादा, योगा कर करके इतना ज्यादा उसके वजन कम नहीं होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको नहीं पता कि किस तरीके से एक अच्छे प्रॉपर वे जो है ताकि उनके माइंड को ऐसे एनर्जी उसमें क्रिएट किया जाए, ऐसे एनर्जी उसकी एक्टिवेट किया जाए, उसमें ऐसा एक्टिवेशन किया जाए योगा के जरिए, ताकि उनके माइंड ऑटोमेटिकली और डाइटिंग की तरफ जाए और ऐसा गजाएं ऐसी चीजें एक हेल्थी लाइफस्टाइल बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, कि उनको अगर किसी ऐसे साइड पे ले जाते हैं कि वो अननेचुरल साइड पे ले जाते हैं, उसकी बॉडी अजीब गरीब हो जाती है और उसको वो वे नहीं मिलते हैं कि वो उस पर काम कर सके, एक ऐसे नतीजे तक पहुंचे कि वो अपने नेचुरल हेल्थ का हयात अपना ख्याल रख सके, खुद ही रख सके। तो बेसिकली आप इंसान के जहन को योगा के जरिए कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से इंसान का जहन ट्यून हो जाता है कि फिर उसे सोचना नहीं पड़ता है कि, अगर मैं गलत कह रहा था आपने सही, सोचना नहीं पड़ता है कौन सी जगह अच्छी है कौन सी जगह खराब है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कितना खाऊं कितना नहीं खाऊं, एक आपका मेंटल सेट हो जाता है कि जिसके जरिए आप खुद ही अपने होता है कंट्रोल और रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आप कैलोरीज का इस्तेमाल करते हैं, या फर्जन कोई भी जो आपकी दूसरी लाइफ में एक्टिविटीज होती है आपको अपने आप पे एक सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, अपने हरकतों में कंट्रोल आते हैं, अपने माइंड पे और अपने ख्याल बॉडी पे कंट्रोल आते हैं, और जो आप खाते हैं या कोई आप नहीं कर सकते तो आप उस पे हैवी हो सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, परहेज कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम एक ऐसे नतीजे तक पहुंचते हैं, यानी एक गाइड की हमें जरूरत होती है, जो एक्सपर्ट जिन्होंने इतनी उम्र गुजारे, कितने उन्होंने इसमें स्टडीज की होंगी, कितने रियाजात किए, रियाजत कह सकते हैं स्टडीज को भी, वो भी एक इलम है, एक इबादत है जो हासिल करता है इंसान, सारी जिंदगी लगे रहते हैं। तो एक एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी होती है, जैसे जिस तरह हम अगर अपने तौर पर मेडिसिन लेते हैं तो उसके बहुत से नुकसान हो सकते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं सही तरीके से, नहीं गाइडेंस के बगैर। तो मेरा ख्याल है कोई भी रास्ता अगर आप अपना मेडिकल जैसे तो, बिल्कुल कोई भी रास्ता गाइडेंस के बगैर, असल में हमारे यहाँ असल में आजकल तो क्या काफी अरसे से कि भाई दवाई भी अपनी मर्जी से खाते हैं, एक्सरसाइज भी अपने मुताबिक करते हैं, और जबी दिल चाह जिस वक्त दिल चाह कंप्यूटर पे थोड़ी सी रिसर्च कर ली, गूगल पे कुछ टाइप कर लिया, जो निकल आया वो आपने अपनी तरफ से कर लिया, हो सकता है आपके लिए थोड़े अरसे के लिए अच्छा हो, लेकिन वो कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रहती है। जाहिर है कि अगर आपको कंटिन्यूटी चाहिए गाइड की जरूरत, गाइडेंस की हर वक्त जरूरत होती है, एंड यू ऑब्वियसली नीड समवन टू टेल यू कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें सेल्फ अश्योरेंस भी आती है और आप कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है अपने आप के ऊपर, उसकी वजह से आप वो कुछ कर सकते हैं जो शायद बजाय एक इंस्ट्रक्टर के आप ना कर सकें। डॉक्टर साहब, मैंने बुक्स लिखी और इस पे काफी सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन थे, जब इंसान के पास इतनी नॉलेज होती है जो पढ़ते हैं तो फिर इंसान का जी चाह रहा होता है कि वो एक अपने नॉलेज को तहरीरों में ले। बिल्कुल, मैंने इस पे तहरीरें की है, बुक्स लिखी है, तो लोगों के लिए एक बेहतरीन रहनुमाई एक किताब भी होती है, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। मैंने ऐसे टेक्निक डाले उसमें, ऐसे टेक्निक उसमें है जो कि आप अपने तौर पे उस बुक से भी आप काम ले सकते हैं। मतलब एक किताब मैंने लिखी द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ हीलिंग एनर्जी, शफाई तवानाई की पुस्तक जिसमें आते हैं वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी समझा, और इसके आते हैं जापानी तरीके इलाज आते। इस किताब से आप जो जापानी तरीके इलाज है, नेचुरल तरीके इलाज जो रिकी है, वो खुद आप उससे सेल्फ अटेनमेंट ले सकते हैं। ऐसे अच्छा। तरीके डाला गया है कि उसमें ऐसे तरीके मैंने लिखे कि वो सेल्फ अटेनमेंट आप खुद कर सकते हैं, अपने सेल्फ अटेनमेंट कर सकते हैं, यानी आप मास्टर को कोर्स तक मास्टर तक आप अपने सेल्फ अटेनमेंट कर सकते हैं, अपने आप को निजात दे सकते हैं बहुत से डिजीज से। लेकिन जो संदा है वो अभी गाइड के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक हाई पावर के अटेनमेंट चाहिए जो आपको अट्यून किया जाए, और उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स हैं
उनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कई ऐसे लाख लोगों का हमने इलाज किया जो भी कहते हैं ना कि कहते हैं कि अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में वर्जन अगर आप खर्च करने के फायदा भी ना हो तो नुकसान कहीं से नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरे मेडिसिन में होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं, अब मेडिकल के साथ साथ इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल मेडिकल के साथ भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर फर्जन आपके अगर डायबिटीज का इलाज करता है या कोई भी हाइपरटेंशन किसी भी किस्म की बीमारी जो खुदा ना खास्ता आप उसके शिकार है उसका इलाज करता है, तो साथ में आप इसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं और डॉक्टर साहब खुद भी आपसे कहेंगे कि कोई हर्ज नहीं है, बिस्मिल्लाह बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल और हो सकता है उनके जहन में भी एक नई बात है। लेकिन समझदार एक मैंने बहुत से डॉक्टर साहब स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल तो डॉक्टर अपने तरीके के साथ जो है इसको अप्लाई करते हैं। आप यकीन माने कि उनके पेशेंट जो पहले ठीक नहीं हो रहे थे अभी उनके पास आते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहे हैं। मेडिकल आपको पता है कि आपने जरूर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा है कि एक अच्छे डॉक्टर से कुछ फीसदी लोग ठीक होते हैं, बिल्कुल बाकी नहीं होते, क्योंकि कुछ फीसदी लोग इसलिए ठीक होते हैं कि हर मेडिसिन हर इंसान को सुधार हर चीज को नहीं करते हैं। एनवायरमेंटल कभी कभी ऑटोमेटिकली हम यार ठीक हो जाते हैं या किसी तब्दीली वजूद की तब्दीली की या मौसम की तब्दीली की वजह से हमारी बीमारियां ठीक होता है या किसी और तरीके से या किसी और डॉक्टर से ठीक हो जाते हैं। तो एक अच्छे डॉक्टर की जो पेशेंट होती है वो तकरीबन 25-30 लोग ठीक हो जाते हैं, बाकी नहीं होते, बाकी बीमारियां बल्कि कुछ बीमारियों का इलाज ही नहीं है मेडिकल। ओके, जिस तरह के हेपेटाइटिस हो गए, बिल्कुल इस तरह दूसरी चीजें हो गए, डेफिनेटली बीमारियां आ रहे हैं, नई नई बीमारियां उसको इलाज दरियाफ्त करते करते 100 साल कितना लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने आपकी बातों में जो मुझे अट्रैक्ट करी एक बात आपने जो बीच में कही, आपने कहा कि द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग सिस्टम, इमेजिन जैसे कि आपने सुना होगा दिस इज अ वेरी कैची वर्ड और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता होगा अगर हम इसके बारे में पता करें तो।